अध्यक्ष महोदय, मास्क हम लाते हैं, अच्छी बात पहनते हैं, वाकई में जो होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस, इतने इतने दूरी पर बैठे हैं, इसीलिए बच पाया गया। हम लोगों ने चर्चा की थी कोरोना पर, आप गंभीर, इसलिए हमको लगा कि इस बात को उठाना चाहिए। उसमें कई नए सदस्य जो है उनको नहीं पता होगा, हो सकता है टीवी पे या न्यूज चैनल में देखा हो। हम लोगों ने मांग की थी कमिटी बनाने की, मुख्यमंत्री जी यहाँ है, पूछे कमेटी बन गई क्या। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब सदन में ही झूठ बोला जाए तो उससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना को लेकर सरकार इन दिनों ज्यादा गंभीर हो गई है। साफ तौर पर ये आदेश दे दिए हैं कि घर से बाहर बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं निकलना है। जो निकले जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ आपने कल भी खबरों में देखा होगा कि किस तरह से बारात पर रोक लगा दी गई है, सार्वजनिक जो भी फंक्शंस होंगे उस पर रोक लगा दी गई है, संख्या निर्धारित की गई है, क्योंकि कोरोना को लेकर बिहार के जो 15 दिन है वो क्रिटिकल बताए गए हैं। लेकिन आज कोरोना लेकर बिहार विधानसभा सत्र के दौरान काफी चर्चा हुई तेजस्वी यादव की वजह से। नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, आज सदन में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने लगातार ये कहने की कोशिश की कि जितने भी मेंबर्स हैं बिहार विधानसभा के उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने मास्क नहीं पहना। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी विधायक हैं, उन्होंने मास्क पहन रखा है सदन के अंदर, लेकिन एक अकेले तेजस्वी यादव है जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहना है, भले ही चेहरे से नीचे उनके मास्क हो लेकिन उनके पास मास्क है, लेकिन तेजस्वी यादव ने मास्क लगाने का पूरी तरह से विरोध कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्यों नहीं मास्क लगाया है, तब तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। अच्छी बात कही कि आपने कोरोना काल में सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला, आप बड़े गंभीर दिखते हैं और हम सब लोगों को गंभीर होना चाहिए। सुन लीजिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपके पीछे ललित बाबू हैं, खतरा बढ़ने की संभावना न रहे, वो पहन ले। सुन महोदय, फिजिकल डिस्टेंस है का, हम सब लोगों के सीट थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए कोरोना की। फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की जिक्र नहीं कर रहे, वाकई में जो होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस, इतने इतने दूरी पर बैठे हैं इसीलिए बच पाया गया। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सदस्य नए हैं, सब लोगों को बधाई है, और कई ऐसे सदस्य हैं जिनको चुनाव परिणाम के समय वापस घर जाना था, फिर वापस भी रहे सर्टिफिकेट लेने, उस पर भी हम लोग आएंगे बात करेंगे। लेकिन महोदय, आप पिछले सत्र में थे, बिहार विधानसभा का एक दिन का सत्र हुआ था, जो बजट सेशन था, हम लोगों ने चर्चा की थी कोरोना पर, आप गंभीर, इसलिए हमको लगा कि इस बात को उठाना चाहिए। उसमें कई नए सदस्य जो है उनको नहीं पता होगा, हो सकता है टीवी पे या न्यूज चैनल में देखा हो। हम लोगों ने मांग की थी कमिटी बनाने की, मुख्यमंत्री जी यहां है, पूछे कमिटी बन गई क्या। उस समय के स्पीकर विजय चौधरी जी हैं, कमेटी बन गई क्या, ये तो सरकार की गंभीरता दिखाती, गलती किसकी, विजय चौधरी जी की या नीतीश कुमार की, क्यों नहीं बनी कमेटी। ये गंभीरता आप लोग दिखा रहे हैं सिर्फ कहने के लिए, और करने के लिए जब काम आता है तो कोई काम ही नहीं करी जाती। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब सदन में ही झूठ बोला जाए तो उससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मास्क की बात सदन के लिए कमेटी से, मास्क को मत जोड़े, मास्क आवश्यक है और संदेश हम सब मिलके दें, ये आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मास्क हम लाते हैं, अच्छी बात पहनते हैं, हमने तो यहाँ के लोगों को कहा कि सभी सदस्य को मास्क उपलब्ध करा दें, जो नहीं ला सके भूल गए। आगे आगे शांत बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष के विषय को सुने।
तो आपने तेजस्वी यादव की बातें सुनी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कोरोना के प्रोटोकॉल्स को, कोरोना के नियमों को पहले आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, इसे जानना बेहद ज़रूरी है। हम लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं, सामाजिक दूरी बनाकर विधानसभा के अंदर हर कोई बैठा हुआ है, इसलिए ये दूरी बनाई गई है ताकि कोरोना से बचाव हो सके। क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात पर टोका गया, विधानसभा अध्यक्ष जो है उन्होंने ये भी कहा कि आपके पीछे जो बैठे हैं उन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है। इस पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि उचित दूरी बनी हुई है, कोरोना का कोई खतरा नहीं है। लेकिन उल्टे तेजस्वी ने ही सवाल खड़ा कर दिया कि कोरोना को लेकर एक कमेटी बनने वाली थी जो अब तक नहीं बनी है। पिछले विधानसभा में इसका वादा किया गया था, वो पिछले विधानसभा अध्यक्ष की गलती है या फिर बिहार के मुख्यमंत्री की गलती है, इस पर विचार करने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।